भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, न नमाज पढ़ने से हमें दिक्कत है, न पूजा करने से उन्हें कोई दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तुम जिन्ना साहब का अब तक एएमयू से क्यों नहीं फोटो हटवा सके? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा तंत्र है, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो माहौल को खराब करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। हम हिंदुओं को मुसलमान को आपस में लड़ाओ मत, हमें आपस में एक रहने की। भाइयों बहनों, जो हमने कहा था महंगाई खत्म करने, कर दिया। भाइयों बहनों, बहन बेटी की सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहेगा, वो भी खत्म हो गया। तो ले दे के इनके पास कुछ रहा नहीं, तो जहाँ इनको लाभ लेने की बात हो वहाँ पे मुसलमान इनका अपना हो जाता है, और जब वोट की बात आती है तो मुसलमान इनका विरोधी हो जाता है। लोग अपने प्रदेश और देश के हित में इस सरकार के खिलाफ अपना मतदान करेगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। इस समय मौजूद हैं हम साहिबाबाद में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं मनमोहन जागामा। नमाज को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर राजनीति नई तरीके से बदल रही है, उसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। पहला सवाल ही यहीं से शुरू होता है कि नमाज पढ़ी जा रही थी उसका विरोध हम देख रहे हैं। कल वहाँ कपिल मिश्रा पहुँचे हैं, वहाँ पर नारे लगाए गए हैं, तो जब वहाँ पर गोवर्धन पूजा हो सकती है तो नमाज पर इतना विरोध क्यों? वास्तविकता यह है कि हम उस देश में रहते हैं जो देश गांधी जी का देश है, और गांधी जी का देश कहता है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, पता करो आने वाला किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है। इसीलिए कपिल मिश्रा गुड़गांव में है, क्यों? कपिल मिश्रा, वो कपिल मिश्रा, आपको याद होगा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ कमेंट करना भी जज को भारी पड़ गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, न नमाज पढ़ने से हमें दिक्कत है, न पूजा करने से उन्हें कोई दिक्कत है। आपने कई जो कारी साहब वहाँ के हैं, जो नमाज पढ़ाने का काम करते हैं, उनका भी हमने टीवी पे देखा, वो बयान दिया उन्होंने कि हमें कोई आपत्ति नहीं, वो पूजा करे। और रही जहां तक बात नमाज पढ़ने की और नहीं पढ़ने देने की, तो कपिल मिश्रा नारे तो ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेशी वापस जाओ, बांग्लादेशी वापस जाओ, ये नारे कैसे लगाए जा रहे? बांग्लादेशी को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुसलमानों को बांग्लादेशी कही जाना सही है, ये गलत है। जो इंडियन, बाय इंडियन, बॉर्न इंडियन, सब दिन इंडिया में रह गया, इंडिया का खाया, इंडिया में जन्म लिया, उसे बांग्लादेशी कहना कहीं ना कहीं भारत माता का अपमान करना है, और उसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है, और हम सभी कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं और करेंगे, और बिल्कुल गलत है हमारे हिंदुस्तान में। क्या आप अपने घर में जगह देंगे नमाज करने के लिए? उनके पास तो परमिशन भी थी फिर तो। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे? आप देंगे? देते हैं उन्हें जगह। जब रोजा का समय आता है, हम अपने यहाँ रोजा इफ्तार रखवाते हैं, उनसे नमाज पढ़ना क्या गुनाह है? नमाज है क्या? ऊपर वाले को याद करना, हम भी पूजा करते हैं। हमारे कई ऐसे आप कार्यक्रम हमारे देखेंगे जिसमें कि हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ बढ़ चढ़ करके हवन तक में हिस्सा लेते हैं, उनके सर पे तिलक भी नजर आएगा आपको। यही तो हिंदुस्तान है, और हम अपने सर पे टोपी भी लगाते हैं, तो असली हिंदुस्तान की पहचान यही है। लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जब सक्रिय हो जाए तो आप समझ ले कि सरकार अपने किए हुए कार्यों से फेल हो चुका है। जुम्मे की नमाज को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव है? चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है बीच में? मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जब जिन्ना साहब के बारे में अखिलेश जी ने कुछ कहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब बवंडर किए। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तुम जिन्ना साहब का अब तक एएमयू से क्यों नहीं फोटो हटवा सके? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा तंत्र है, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो माहौल को खराब करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। हम हिंदुओं को मुसलमान को आपस में लड़ाओ मत, हमें आपस में एक रहने दो। एक तरफ भारत में ऐसी तस्वीर हम देखते हैं कि हिंदू लोग अपने घर में मुस्लिमों को नमाज करने देते हैं, मुस्लिम भी हिंदुओं को अपने घर में पूजा करने देते हैं, फिर ऐसी नफरत भरी तस्वीर, ऐसा हमें देखने को क्यों मिलता है इस देश में? सिर्फ सत्ता का लालच। हाँ, सिर्फ सत्ता का सत्ता के लालच में आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? सिर्फ सत्ता की लालच में नहीं, तो आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी भी मुसलमानों के घर में है, ये सबको पता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ईद भी मनाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। उस वक्त में वो भूल जाते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव आने से पहले इनका ये प्रयोगशाला में तैयारी होती है कि भाई माहौल को किस तरीके से हमें बिगाड़ना है जिससे कि हिंदू
हिंदू बनकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे और हिंदू एक सॉफ्ट चारा हो गया, जैसे एक मछली को फंसाने के लिए चारे की जरूरत होती है ना, कांटे में चारे लगाए जाते हैं। तो हर वक्त मुसलमानों को ही क्यों एक जरिया बनाया जाता है वोट बैंक के लिए, हर वक्त नमाज का वो किया जाता है और फिर हमने देखा जंतर मंतर पर भी ऐसे नारे लगाए गए, एक बार फिर से मुस्लिमों को टारगेट बनाया गया, तो हर बार मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? मुस्लिम को टारगेट क्योंकि 20% है वो हमारे साथ, 25% लोग है ना वो हमारे साथ, हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो हिंदुस्तान को मजबूत करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर आज परमाणु बम से हम अपने आप को लेस महसूस करते हैं तो ये अब्दुल कलाम साहब को भूल जाएंगे, मौलाना अब्दुल गफूर साहब को भूल जाएंगे, ये नहीं भूलेंगे। तो जहां इनको लाभ लेने की बात हो वहां पे मुसलमान इनका अपना हो जाता है और जब वोट की बात आती है तो मुसलमान इनका विरोधी हो जाता है। और हम समाजवादी और विपक्षियों का यही कहना है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, भारत माँ का लाल है वो, इसलिए आप किसी को तोड़ मरोड़ कर पेश न करें, इसका विरोध हम लोग करते हैं। पहले तो उन्हें जो है वहां पे प्रशासन ने वहां अनुमति दी थी, उसके बाद जब बजरंग दल अन्य हिंदू संगठनों ने उसका विरोध किया तो फिर वो परमिशन वापस क्यों ली? देखिए ये तो जांच का विषय है, अगर परमिशन था उनके पास तो प्रशासन को परमिशन वापस नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं था तो नमाज कैसे पढ़ा जा रहा था उस जगह पे? तो जो भी उस वक्त के अधिकारी रहे होंगे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जब अपना कार्य क्षेत्र भूल जाएगा, अपने काम को भूल जाएगा, शासन की व्यवस्था को भूल जाएगा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस सरकार के लोगों के कहने पे चल रहा है और उसके इशारे पे काम कर रहा है। जब मुस्लिम समुदाय ये बात कह रहा है कि हम वहां से हटने को तैयार हैं, हमें अन्य जगह दे दीजिए नमाज करने के लिए, तो भी इतना विरोध क्यों आके? मैं यही तो कहना चाहता हूं आपसे कि वो हर वो मुसलमान, हर वो हिंदू, हर वो सिख अपने भारत माँ से प्यार करता है, जो अल्लाह को प्यार करता होगा, जो राम को प्यार करता होगा, वो अपने देश से प्यार करता है, और देश से प्यार करने वाला व्यक्ति नफरत का सौदागर नहीं होगा, नफरत की बयार नहीं बहाएगा, उन्हें इबादत करना है ऊपर वाले की, जहां उन्हें जगह मिल जाएगा वो इबादत करने को तैयार बैठे। लेकिन ये जो RSS हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गए, बजरंग दल हो गए और कपिल मिश्रा जैसे लोग, जहां दंगा नहीं हो रहा हो, जहां माहौल खराब नहीं हो रहा हो, वहां कपिल मिश्रा को बुलवा लो आप, और सबसे पहले भागेगा वो कुत्ता। एक कुत्ता होता है, कुत्ते को आप अगर जंगल में, बीच जंगल में छोड़ दो और उसमें माचिस मारो, कुत्ता किस रास्ते से निकल के आएगा आपको पता नहीं चलेगा और बाकी जीव जंतु जो है उसमें मर जाएंगे। वही हालात कपिल मिश्रा का है, वो माहौल खराब करता है और माहौल खराब करने के बाद कहां चला जाता है कोई कुछ पता नहीं चलता और आम आदमी मारे जाते हैं। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि यहाँ जो जो सांप्रदायिक लोग जो वहां पे नमाज करते हैं उससे आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो है नमाज को बंद कर दिया जाना चाहिए। शासन और प्रशासन क्या कर रही है? क्या इतने दिनों से खट्टर जी वहां खटखटा रहे थे दरवाजे को क्या? खट्टर जी के पास तो लठैत भी है जो कहते हैं कि इन किसानों को लठिया के ठीक कर दो, तो किसान को ठीक करते करते इनसे इनका अपना गुड़गांव जिला ठीक नहीं हो पा रहा है कि आज कपिल मिश्रे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ गई खट्टर जी को और भारतीय जनता पार्टी को? तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उस रणनीति पे ये काम कर रहे हैं, और इनके पास कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य के दम पर ये जनता के बीच जाकर ये कह सके कि भाइयों बहनों जो हमने कहा था महंगाई खत्म कर दे कर दिया, भाइयों बहनों बहन बेटी की सुरक्षा रहे सुरक्षित रहेगा वो भी खत्म हो गया। तो ले दे के इनके पास कुछ रहा नहीं, बस एक ही बात है 30% और 70%, उस 30 और 70 की लड़ाई लड़ा करके ये हमारे वोट को ये कैश करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू बड़ा सहनशील है, हिंदुस्तान का हिंदू धर्मनिरपेक्ष है, हिंदुस्तान का हिंदू भगवान राम को मानने वाला हिंदू है, और जो भगवान राम को मानता होगा वो निश्चित रूप से सभी से प्यार करेगा, क्योंकि भगवान राम मेरे जब वनवास गए थे सबको पता था कि वो भगवान है, उनकी बाण में इतनी ताकत है कि अपने बाजू पे वो सीता को रावण से छुड़ा के ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर
चलना और रावण पे विजय प्राप्त करना, ये दिखाता है कि ये समाजवादी सोच था भगवान राम का, सबको साथ लेके चलना, सबको खुशहाल रखना, और अगर एक धोबी भी उंगली उठा दे एक राजा पे तो पुनः फिर अपनी पत्नी का परित्याग कर देना, ये एक समाजवादी सोच का व्यक्ति कर सकता है, कट्टरवादी सोच के व्यक्ति नहीं। और हम लोग कट्टरवादी नहीं, हम लोग समाजवादी हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे बताया गया था कि मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम दंगे भड़का रहे हैं और हिंदू को खतरा, हिंदुओं के लिए खतरा बताया गया था मुसलमानों को। एक बार फिर से ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल वाला हाल होगा? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान श्री राम की है। जहाँ महादेव के त्रिशूल पे काशी विश्वनाथ बसा हो, उस नगरी के लोग जो है बड़े समझदार हैं, और यहाँ आपसी वैमनस्यता का ब्यार नहीं चलेगा। लोग अपने प्रदेश और देश के हित में इस सरकार के खिलाफ अपना मतदान करेगा। ये थे हमारे साथ मनमोहन झा गामा, जिनकी बात आपने सुनी, गुस्सा इनका देखा आपने, सरकार के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया इन्होंने, और साथ ही ये बता दिया है कि इनकी हरकतों से अब जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है, और इन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा। बने रहिए पीआरबी न्यूज के साथ, धन्यवाद।